दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका प्रजापति न्यूज में। दोस्तों आज के इस वीडियो में जानिए फ्रूट्स और वेजिटेबल्स से पेस्टिसाइड कैसे निकालें। अगर आपको पेस्टिसाइड के बारे में जानकारी नहीं है तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना। दोस्तों जब कभी भी हेल्दी फूड की बात आती है तो उसमें सबसे पहले फ्रूट्स और वेजिटेबल्स आते हैं क्योंकि ये पूरी तरह से नेचुरल होते हैं। लेकिन अब आप अपने दिल पर हाथ रख कर कहिए, क्या वाकई आज के समय में फल और सब्जियां नेचुरल हैं? नेचुरल तो दूर की बात है दोस्तों, ये हमारे लिए हेल्दी भी नहीं है। जी हाँ, अब हमें ये बात बहुत अच्छे से पता है कि हमारी कही बात सुनने में आपको खटक जरूर रही होगी, लेकिन वो कहते हैं ना कि सच हमेशा कड़वा होता है, और यहाँ भी ठीक ऐसा ही है। और हमारी आज की इस वीडियो में मैं यानी आपका दोस्त विशाल प्रजापति आपको ये बताऊंगा कि किस तरह जिन फलों और सब्जियों को आप हेल्दी समझकर खाते हैं वो आपकी जान के दुश्मन बने हुए हैं। ऐसे में अगर आपको इनसे पीछा छुड़ाना है तो क्या करना है, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें, और साइड में बेल आइकॉन भी दिख रहा होगा, उस पर भी क्लिक कर लें ताकि आपको वीडियो मिले सबसे पहले। दोस्तों हाल ही में आई एक रिसर्च के मुताबिक 99% से ज्यादा फलों और सब्जियों में पेस्टिसाइड मिलाए जाते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा हैरानी वाली बात तो यह है कि इन फलों और सब्जियों को आप 15 सेकंड तक बहते हुए पानी में भी धोएंगे तो भी इनके ऊपर से पेस्टिसाइड नहीं जाने वाले हैं। पिछले 10-15 सालों में केमिकल पेस्टिसाइड्स का प्रयोग बहुत ज्यादा बढ़ गया है ताकि बढ़ती पॉपुलेशन की खाने की जरूरतों को पूरा किया जा सके। ऐसे में दोस्तों फल और सब्जियों में से पेस्टिसाइड को अच्छे से हटाए बिना फूड पॉइजनिंग, डायरिया, हार्मोन प्रॉब्लम, स्किन प्रॉब्लम के साथ साथ बालों से जुड़ी समस्याएं भी सामने आती हैं। और उसके अलावा पेस्टिसाइड्स हमारा दिल, दिमाग, किडनी और फेफड़ों पर असर डालकर कैंसर जैसी समस्या भी हमारे सामने ला देता है। दोस्तों इससे पहले कि हम आपको पेस्टिसाइड्स से बचने के समाधान बताएं, चलिए आपको सबसे पहले ये बताते हैं कि ये सब क्या है और कैसे किया जाता है। असल में दोस्तों जब आप ग्रोसरी शॉप में सब्जियां या फल खरीदने जाते हैं तो उसमें 3 तरह के केमिकल एजेंट का इस्तेमाल होता है। पहले होते हैं रिपेनिंग एजेंट्स, जो कि आप नाम से ही समझ गए होंगे। इन एजेंट्स का इस्तेमाल सब्जियों और फलों को पकाने के लिए किया जाता है, और अधिकतर इनका इस्तेमाल केला और आम जैसे फलों में होता है। इनके इस्तेमाल से सब्जियों और फलों को जल्दी इसलिए पकाने की कोशिश की जाती है ताकि ये सीजन से पहले ही मार्केट में आ जाए और लोग जल्दी से खरीदने लगे। दोस्तों हम आपको बता दें, इन फलों को पकाने के लिए जो रिपेनिंग एजेंट्स का इस्तेमाल किया जाता है उसमें इंडस्ट्रियल कैल्शियम कार्बाइड पाया जाता है, जिसमें हैवी मेटल्स पाए जाते हैं जैसे कि लेड और आर्सेनिक, जो हमारी ह्यूमन बॉडी के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। अब दोस्तों दूसरे एजेंट पर आते हैं जिसे कहते हैं कोटिंग एजेंट्स। अब इन एजेंट्स में वैक्स और डीपीए यानी कि डाइफेनाइलमीन आते हैं, जिनका इस्तेमाल सब्जियों को चमकाने के लिए होता है। ये ज्यादातर सेब, अंगूर और लगभग सभी फल और सब्जियों में किया जाता है जो 7 समुंदर पार से हमारे यहाँ आते हैं। ऐसे में दोस्तों कोटिंग करने का मतलब यही है कि मॉइस्चर और कंसिस्टेंसी को प्रिजर्व किया जा सके ताकि ट्रांसपोर्टेशन के समय फल और सब्जी अच्छी दिखें। हम आपको बता दें कि वैक्स पेट्रोलियम प्रोडक्ट है, जबकि डीपीए नाइट्रोजन के साथ रिजेक्ट करके नाइट्रोसमीन बनाता है, जो कि कैंसर के लिए जिम्मेदार है। दोस्तों इन दोनों की तरह के एजेंट से बचने के लिए आपको सिर्फ कुछ साधारण सी चीजें करनी है, जहां सबसे पहले ये कि उन फल और सब्जियों को ना खाएं जिनका सीजन नहीं है। दूसरा, सभी विदेशी फल और सब्जियों को छोड़कर लोकल चीजें खाएं। दोस्तों इन दोनों समाधान को अपनाने से न सिर्फ आप केमिकल से बच जाएंगे बल्कि आपको सभी फल और सब्जियां सस्ती मिलेंगी, क्योंकि एक तो वो सीजनल रहेंगी इसलिए ज्यादा क्वांटिटी में होंगी, और दूसरी वो लोकल होंगी इसलिए उनके ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा आपकी जेब से नहीं निकाला जाएगा। और तो और इससे आप हमारे किसान भाइयों और भारतीय इकोनॉमी की मदद भी करेंगे। दोस्तों अब बात करते हैं तीसरे केमिकल एजेंट की, जो कि सबसे डेंजर है, और वो कोई और नहीं बल्कि पेस्टिसाइड्स है। ऐसे में दोस्तों हम आपको बता दें, पेस्टिसाइड्स 2 प्रकार के होते हैं। एक सिस्टमेटिक पेस्टिसाइड, जो पेड़ के तने के नीचे जड़ों के पास डाले जाते हैं ताकि पौधा उन्हें अच्छे से सूख ले। दोस्तों ये पेस्टिसाइड पत्ते, तने, फूल और फल तक पहुंच जाते हैं और 10-15 हफ्तों तक वहां रहते हैं। वहीं दोस्तों दूसरे हैं कॉन्टैक्ट पेस्टिसाइड्स, जो डायरेक्ट फल और सब्जियों के ऊपर छिड़के जाते हैं, जिनको खाने से हम बहुत ज्यादा बीमार पड़ जाते हैं और यही हमारी बीमारी की सबसे बड़ी वजह बनते हैं। अब अगर इस चीज के समाधान की बात करें तो दोस्तों सबसे पहला समाधान तो यही है कि ऑर्गेनिक फूड खाए जाएं। अब इसका मतलब ये नहीं है कि ऑर्गेनिक फूड में पेस्टिसाइड नहीं होता है, क्योंकि पेस्टिसाइड तो उनमें भी होता है, लेकिन वो लोग थोड़े बेहतर वाले पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल करते हैं ताकि खाने वालों को बीमारियां ना हो। पर अगर हम ऑर्गेनिक फूड की बात करें तो दोस्तों ये बहुत महंगे हैं, जिसको खरीद पाना हम सबके बस की बात नहीं है। ऐसे में हमें पता है कि आप यही सोच रहे होंगे कि कोई ऐसा रास्ता बताओ जिससे ज्यादा पैसे भी खर्च ना हो और हम स्वस्थ भी रहें। ऐसे में दोस्तों आज हम आपको एक ऐसा तरीका बताएंगे जो फलों और सब्जियों में से 98% पेस्टिसाइड्स को निकाल देगा।
जी हाँ, उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है। बस जब कभी भी सब्जी खरीद के लाएं तो उसे एक बड़े से बर्तन में डालकर उसके ऊपर पानी डाल दो और फिर उस पानी में बड़ा चम्मच बेकिंग सोडा डाल दीजिए और ऐसा करने से थोड़ी देर के लिए फल और सब्जियों को बेकिंग सोडा में भिगोकर रख दें। आपको इन सब्जियों को 15 से 20 मिनट के लिए छोड़ देना है और फिर बेकिंग सोडा से निकालकर वापस से अच्छी तरह से सब्जी को धो लें, क्योंकि बेकिंग सोडा, जिसे सोडियम बाइकार्बोनेट कहते हैं, वो अपने एल्कलाइन नेचर के लिए जाना जाता है और इसी वजह से वो 98% तक पेस्टिसाइड्स को रिमूव कर देता है। ऐसे में दोस्तों, ये फलों और सब्जियों से पेस्टिसाइड्स को हटाने के लिए सबसे आसान और कारगर तरीका है, जिसमें आपके पैसे भी ज्यादा खर्च नहीं होंगे और काम भी बेहतर तरीके से हो जाएगा। बाकी दोस्तों, हमें पूरी उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। बाकी अगर अभी भी आपके मन में कोई सवाल है तो हमें कमेंट बॉक्स में बताना। ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस को लगातार देखने के लिए हमारे चैनल प्रजापति न्यूज को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और हाँ, हम फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पे दो और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप इस स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।